हेलो डिफ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो में जैसे कि इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फिलहाल यहां पर देख सकते हो कुछ देर पहले इसको अपलोड किया गया है। तो ये नोटिस आप लोग का फिलहाल यहां पर जैसे जेई के रिगार्डिंग जारी किया गया है। यहां जो आप लोग का फिलहाल एंसर की का जो लिंक है उसको एक्टिवेट कर दिया गया। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आप लोग को बता भी दिया था। एंड यहाँ पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि जैसे जेई के रिगार्डिंग है। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि नोटिस रिगार्डिंग लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन टेंटेटिव एंसर की ऑफ JDLCC 2023, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। इसमें आप लोग का यहाँ पर जो आपत्ति दर्ज कब तक करना है, क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में यहाँ आप लोग का मेंशन किया गया है। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इसी के अकॉर्डिंग आप लोग का यहाँ फाइनल एंसर की भी जारी किया जाएगा। एंड कितना टाइम लगेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो विज्ञापन संख्या 4/2023 एवं 5/2023 11/2023 का यहाँ पर जो है आप लोग का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 4/2023 एवं 5/2023 के आलोक में दिनांक 2/9/2023 से दिनांक 20/10/2023 के मध्य विभिन्न तिथियों को संपन्न झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने हेतु आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in के लिंक पर प्रकाशित है। यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों को बताया गया कि आंसर की यहाँ जो आप लोग का जारी हो चुका है। एंड यहाँ पर एग्जाम डेट आप लोग का मेंशन किया गया, जो कि आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर वाले नोटिस में देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है कि अभ्यर्थी दिनांक 3/12/2023 की मध्यरात्रि तक अपने यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्रविष्ट कर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके बाद 3 तारीख के बाद अगर करते हो तो फिर यहाँ पर आप लोग का जो है उसका यहाँ पर जो मायने नहीं होगा। उसके पहले यहाँ आप लोग करना है, आप लोग का लिंक यहाँ फिलहाल जो 3/12/2023 तक एक्टिवेट रहेगा। तो जिनको भी आपत्ति करना हो कर सकते हो, यहाँ पर जो चेक भी कर सकते हो अपना आंसर की, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आप लोग का लास्ट डेट है वह 3/12/2023 है। उसके बाद लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग वहाँ से चेक नहीं कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस फिलहाल यहाँ पर जो JSSC की तरफ से जारी कर दिया गया। एंड मैंने बता दिया इसके पहले वाले वीडियो में कि आप लोगों को आंसर की कैसे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले गूगल पर जाना, वहाँ पर JSSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको सर्च करना। फिर नीचे आओगे तो वहाँ पर जो वॉच न्यू वाले ऑप्शन में आना। फिर आप लोग का स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो कि JSSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। एंड ओपन होने के बाद यहाँ पर फिर आप लोग जो है लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर जो अपना देख सकते हो कि आप लोग का जो है देख सकते हो यहाँ पर लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंटेटिव आंसर की ऑफ JDLCC 2023। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ आप लोग का यूजर आईडी मांगा जाएगा, पासवर्ड जो आपने पासवर्ड होगा वो पासवर्ड इंटर कर देना है। फिर लॉगिन करके डिटेल अपना देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर जो जारी कर दिया गया, देख सकते हो। इसी तरह आप लोग का ओपन हो जाएगा। एंड ओपन होने के बाद यहाँ पर जो डिटेल अपना यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके यहाँ पर जो देख सकते हो कैप्चा भी सही से इंटर करना है, फिर यहाँ कर सकते हो। अगर नहीं है फिलहाल आप लोग के पास यहाँ पर जो है यूजर आईडी, तो फॉरगॉट यूजर आईडी का भी ऑप्शन दिया गया, पासवर्ड का भी फॉरगॉट कर सकते हो, पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बिग अपडेट आप लोग का फिलहाल JSSC JEE के यहाँ पर जो आंसर की के रिगार्डिंग जो है जारी कर दिया गया। तो रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी यहाँ पर JSSC JEE का एग्जाम दिए होंगे वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट को देख सकेंगे कि आप लोग का आंसर की जारी हो चुका है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एंड कोई भी अपडेट आप लोग कोई भी एग्जाम का JSSC कोई भी एग्जाम का रिजल्ट या फिर आप लोग का एग्जाम का कोई भी नोटिस आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।